मैं ना कई दिनों से सोच रहा था इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, पर अनफॉर्चुनेटली वो सही टाइम नहीं था, क्योंकि पहले सभी लोगों ने इंडस गेम का गेम प्ले नहीं देखा था और पता भी नहीं था कि इसका गेम प्ले कैसा होगा, किस तरह से होगा। पर अभी ऑलमोस्ट हर एक बंदे को पता चल गया इंडस गेम का गेम प्ले। आई थिंक हर एक बंदे को पता ही होगा जो इंडस गेम को फॉलो करता है, एंड कुछ लोगों ने इंडस के गेम प्ले को अपने हाथों से खेल भी लिया। तो मुझे लगा कि अभी के टाइम पे इस टॉपिक पर वीडियो बना लेनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो इन्होंने फॉलआउट 84 से कॉपी किए हैं, जो आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं इंस्पिरेशन ली है। और मैं आपको विद प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा कि कौन सी चीजें मेरे को कॉपी लग रही है फॉरवर्ड 84 गेम से। तो प्लीज थंबनेल और टाइटल को देखकर कमेंट मत करना, वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे, वो सिर्फ कमेंट ही करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना, और उसके बाद भी अगर आपको मेरा कोई भी पॉइंट गलत लगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं काफी टाइम से फॉरवर्ड 84 गेम को भी खेलता हूं, तो मुझे पता है कि हमें कौन से एलिमेंट्स फॉरवर्ड 84 गेम में देखने को मिलते हैं। पर जब मैंने प्रॉपर इंडस गेम का गेम प्ले देखा तो मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मैं कहीं ना कहीं फॉरवर्ड 84 गेम को ही खेल रहा हूं। तो फिर मुझे काफी सारी चीजें कॉपी लगी जो मेरे को फॉरवर्ड गेम में देखने को मिलती थी, वो अब मेरे को इंडस गेम में भी देखने को मिल रही है। जिसमें पहली चीज मेरे को कॉपी लगी वो थे इंडस गेम के ग्राफिक्स। तो जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये है फॉरवर्ड गेम का गेम प्ले, जिसमें आप ग्राफिक्स को बिल्कुल ध्यान से देखना और साथ में आपको जो दूर दूर पहाड़ दिख रहे हैं उसको भी थोड़ा ध्यान से देखना, जिसमें ग्राफिक्स में हमें बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है इस गेम में, और साथ में ग्राफिक्स के कलर कितने परफेक्ट लग रहे हैं देखने में। इसके साथ मैंने आपको पहाड़ के बारे में भी बताया, वो आप ध्यान से देखना कि किस तरह से उसे डिजाइन करा है। मेरा मतलब जो इस गेम में पहाड़ है उसको थोड़ा ध्यान में रखना। तो गाइस ये था फॉरवर्ड गेम का गेम प्ले, अभी मैं आपको इंडस गेम का गेम प्ले दिखाता हूं। तो दोस्तों ये है इंडस गेम का गेम प्ले जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे अभी। तो पहले आप इस गेम के ग्राफिक्स देखो, इस गेम के ग्राउंड पे घास तो है बट बहुत ही छोटा छोटा है, ऐसा लग रहा है फॉरवर्ड गेम वालों ने घास काट दिया। जस्ट किडिंग। तो अभी ना आप थोड़ा ध्यान से देखना जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने फॉरवर्ड गेम के ग्राफिक्स को ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको जो घास होती है वो काफी बड़ी बड़ी देखने को मिल रही थी, पर इसमें थोड़ी छोटी छोटी है। पर जो इंडस गेम वालों ने कॉपी करा वो है फॉरवर्ड गेम के ग्राफिक्स के कलरिंग। जिस तरह से फॉरवर्ड गेम का एनवायरमेंट था तो काफी हद तक मेरे को इंडस गेम में उसी तरह देखने को मिल रहा है। इसके साथ मैंने आपको फॉरवर्ड गेम के पहाड़ भी दिखाए थे जो कि किस तरह से डिजाइन थे और किस तरह से पहाड़ के कलर्स थे। तो अभी आपको इंडस गेम के पहाड़ भी देखने को मिल ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। अगर आपने फॉरवर्ड गेम के पहाड़ों को ध्यान से देखा होगा तो आपको इंडस गेम के पहाड़ भी उसी तरह देखने को मिलेंगे। 95% मेरे को इंडस गेम के पहाड़ फॉरवर्ड गेम से कॉपी लग रही है। अभी कुछ लोगों को मेरे जो पॉइंट्स गलत भी लगेंगे और कुछ लोगों को सही भी लगेंगे, पर आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ताकि मेरे को भी पता चल सके कि मैं किस पॉइंट पे गलत हूँ। अभी कुछ लोग ऐसा भी सोच ही रहे होंगे कि तुम नेगेटिविटी फैला रहे हो इंडियन गेम के रिलेटेड, कि ये इंडियन गेम है तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि मैं इंडियन गेम को सपोर्ट कर ही रहा हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें मैंने काफी सारी वीडियोस इंडस गेम, UGW एंड और भी इंडियन गेम्स के रिलेटेड बनाई है। और दूसरी बात आती है जो नेगेटिविटी फैलाने की, तो मुझे जैसा लगा मेरे को जो चीज कॉपी लग रही है इंडस गेम में मैंने आपको वही बताया, मैंने अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर करे हैं। तो जिसको मेरे पॉइंट्स गलत लग ही रहे हैं तो मेरे को वो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस बता सकता है, तो मैं तो सभी को रिप्लाई दे ही दूंगा। एनीवेज अभी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता दूं जो मेरे को कॉपी लगा। तो गाइस अगली चीज मेरे को कॉपी लगी इंडस गेम की वो थे इंडस गेम का लूट बॉक्स, जिसमें आप गन्स वगैरह लूट करते हो। जहां तक मैंने सर्च करी है आई थिंक ये कांसेप्ट अपेक्स लेजेंड मोबाइल गेम में था सबसे पहले। अभी आपको पता है कि अपेक्स लेजेंड मोबाइल गेम प्ले स्टोर पे तो है ही नहीं है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं फॉरलाइट गेम की। तो गाइस जब हम फॉरलाइट गेम में लूट करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे हमें इसी तरह के लूट बॉक्स देखने को मिलते हैं साइड पे, जिसमें हम गन्स लूट करते हैं एनिमीज को मारने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट है अभी फॉरलाइट गेम में। तो सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमें इंडस गेम में भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको साइड में लूट बॉक्स देखने को मिलेंगे, उसमें आप गन्स को लूट करके एनिमीज के साथ फाइट करोगे। दोस्तों ये मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि इंडस गेम वाले ये कॉन्सेप्ट कॉपी कर लेंगे फॉरलाइट गेम से। इंडस गेम वाले कोई और कॉन्सेप्ट भी डाल ही सकते थे अपनी गेम में, तो ये चीज भी मेरे को कॉपी लगी इंडस गेम में फॉरलाइट गेम से। अभी मैं और भी काफी सारी चीजें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जो मेरे को कॉपी लग रही है इंडस गेम में, बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी अगर आपको मेरे कोई पॉइंट्स गलत लग रहे हैं ना, तो अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताना, ताकि मेरे को पता चल सके कि मेरे पॉइंट्स गलत है या फिर नहीं। तो चलिए गाइस बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव तो लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है ना, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को एक सब्सक्राइब भी जा से कर लेना। तो चलिए गाइस बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलता हूं आपको मैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।